हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। यदि आज के पेपर की बात जहां तक है तो यहां पे यदि देखा जाए तो आज देख सकते हैं कि BSSC कार्यालय पर प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। हाँ दोस्तों, स्टूडेंट ने BSSC के कार्यालय बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पर जाके प्रदर्शन किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित धांधली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने आयोग के चेयरमैन से मुलाकात की कोशिश भी की। आंदोलन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रथम इंटर स्तरीय PT व मुख्य परीक्षा में काफ़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए थे, पहले इनकी पहचान की जानी चाहिए। कई अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले कर भी दिया गया है। जैसा कि हर एक रोज जो है वो पेपर में आ ही रहा है, जो कि फिजिकल जब हो रहा है तो उस समय किसी न किसी को पकड़ा जा रहा है फर्जी बारे में, तो उसी पे जो है लड़के लोग ने हंगामा किया है। तो ये हंगामा करना भी भाई जायज़ है, क्योंकि ये तो गलत है ना। तो उसी पे देख रहे हैं स्टूडेंटों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग जाकर हंगामा किए हैं। देखिए यहाँ पे और है, जो कि अब अंतिम परिणाम में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए, ये लड़के का डिमांड है। वहीं BSSC की ओर से वर्ष 2014 से ही प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की कवायदा की जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो कि इसका जो है वो टाइपिंग भी टेस्ट हो चुका है, सारा कुछ जो है अभी फिजिकल के लिए दानापुर में चल रहा था। तो इसी पे लड़के लोगों ने जो फर्जीवाड़े जितने भी हैं उसको बोल रहा है जो कि पकड़ने के लिए भाई, तो ये तो सही है, स्टूडेंट का मांग है भाई, उसको करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो चलिए आज के पेपर का इतना ही, और आगे का यदि न्यूज़ देखें तो चलिए देखते हैं। यदि आज का नेक्स्ट न्यूज़ का बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 सितंबर से पंचायत चुनाव। हाँ दोस्तों, 20 सितंबर से बिहार में जो है वो पंचायत चुनाव कराया जाएगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग इसकी जो पंचायत राज्य में जो चुनाव होता है तो उसका चुनाव का जो होता है वो राज्य निर्वाचन कराता है निर्वाचन आयोग केंद्र का, जो निर्वाचन आयोग